press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एक बार आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें एक्सरसाइज 9 के जो एग्जांपल नंबर 6 है कि पॉइंट एक्स वाई लाइज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स ए प्लस बी कोमा बी माइनस ए एंड ए माइनस बी कोमा ए प्लस बी देन प्रूव दैट बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई यानी बिंदु एक्स वाई है वो बिंदुओं ए प्लस बी कोमा बी माइनस ए और ए माइनस बी कोमा ए प्लस बी से बराबर दूरी पे है तो सिद्ध कीजिए बी एच बराबर ए वाई। अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है यानी ये पॉइंट दोनों में कॉमन है तो इस पॉइंट को अपन नाम नोट कर दिया पी। जैसे ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ये इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है तो एक पॉइंट तो हो गया ए, नाम दे रहे हैं उसे ए माइनस बी, ए प्लस बी और दूसरा है ये बी माइनस ए और जो दूसरा पॉइंट है वो हो गया ए माइनस बी कोमा ए प्लस बी। तो ये दोनों डिस्टेंस है वो इक्वल है एंड पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, पी ए दूरी है वो पी बी के बराबर है क्योंकि ये कह रहा है कि बिंदु एक्स वाई है ये इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर है तो ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे है तो इसे आप कॉमन पॉइंट लोगे तो ये ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब पी ए इज इक्वल टू पी बी है, यहाँ पे पी ए इज इक्वल पी बी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र क्या है, अनरूट में एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वेयर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वेयर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अपन यहाँ पे। अब अगर आप इस अनरूट को यहाँ स्टार्टिंग से ही रिमूव करना चाहते हो तो आप दोनों साइड स्क्वेयर ले सकते हो यानी पी ए अगर पी बी के इक्वल है तो आप ये लिख सकते हो पी ए स्क्वेयर बी पी बी स्क्वेयर के इक्वल होगा, पी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू पी बी स्क्वेयर, ताकि आपको दोनों साइड अंडर रूट नहीं लगाना पड़े। अदरवाइज पी ए इज इक्वल टू पी बी लेके चल रहे हो तो आपको फिर बोथ साइड स्क्वेयर लेना पड़ेगा। आप ये लिख सकते हो या ये वाला पी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू पी बी स्क्वेयर से लिख सकते हो। तो अगर आप पी ए इज इक्वल टू पी बी लेते हो तो पी ए डिस्टेंस, पी ए डिस्टेंस के लिए पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई में से ए के कोऑर्डिनेट ए प्लस बी कोमा बी माइनस ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू है एक्स तो एक्स माइनस एक्स टू की वैल्यू है ए प्लस बी तो इसे आप ब्रैकेट में लोगे ए प्लस बी और ये इसका स्क्वायर एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर हो गया प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर, तो वाई वन की जगह वैल्यू है वाई माइनस वाई टू की वैल्यू है बी माइनस ए और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू अनरूट में। अब डिस्टेंस दूरी ले रहे हैं पी बी तो अब की बार पी और बी बिंदुओं के बीच की दूरी लिखेंगे, पी और बी वाले दोनों कोऑर्डिनेट लेंगे तो एक्स वन की जगह कौन है एक्स माइनस इसे ब्रैकेट में लिखोगे एक्स टू की वैल्यू है ए माइनस बी और होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू करेंगे तो वाई टू सब्ट्रैक्ट करने के लिए वाई वन की वैल्यू है वाई माइनस वाई टू की वैल्यू है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप नेक्स्ट लाइन में अगर दोनों साइड वर्क करते हैं एक्स स्क्वायर बोथ साइड तब ये दोनों साइड वाला वर्गमूल हट जाएगा तो ये स्टेप आप को खुद को लिखना है, मैं उसके जस्ट नेक्स्ट वाला स्टेप लिख रहा हूँ। एक्स वन माइनस एक्स टू का ये कर रहे हैं तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो ए की जगह एक्स है तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी की जगह कौन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है तो माइनस टू एक्स और ए प्लस बी ये आ गया है इस इतने की जगह आगे प्लस ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी की जगह बी माइनस ए का स्क्वायर माइनस टू वाई बी माइनस ए
इज इक्वल्स टू, अब इसमें अपन लगाएंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक ही जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स ए माइनस बी। अब आगे प्लस इसमें लगाएंगे तो वाई स्क्वायर माइन प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू वाई ए प्लस बी। दोनों साइड आप वर्क करने के बाद में ये दोनों वर्गमूल के चिन्ह हट जाएंगे, टैग बोथ साइड स्क्वायर, उसके बाद ये स्क्वायर रूट वाला साइन है रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में अब देखो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हो गया, अब दूसरा वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, उसके बाद में ए प्लस बी का स्क्वायर है यहाँ पर भी ए प्लस बी का स्क्वायर है, और एक देखो बी माइनस ए का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर दोनों सेम होते हैं, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो है ये माइनस का टू एक्स ए प्लस बी, उसके बाद में माइनस का टू वाई बी माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस का टू एक्स ए माइनस बी माइनस टू वाई और ये ए प्लस बी। अब आप यहाँ पूरी इक्वेशन में देखो माइनस टू आ रहा है, तो आप माइनस टू कॉमन लेकर के और माइनस टू दोनों साइड से आप कैंसिल करोगे, तो अगर आप माइनस टू कॉमन लो या बोथ साइड आप माइनस टू से डिवाइड करो तो ये अपना बन जाएगा एक्स और ए प्लस बी, आगे प्लस का हो जाएगा वाई बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एक्स ए माइनस बी प्लस वाई ए प्लस बी। अब इसके बाद में देखो ए प्लस बी वाला यहाँ पर भी है और ए प्लस बी वाला जो टर्म्स है वो यहाँ पर भी है, तो आप चाहो तो दोनों वाई वाई वाले एक साइड कर सकते हो या ए प्लस बी वाले एक साइड कर सकते हो या बी माइनस ए वाले ये एक साइड कर सकते हो। तो अपने एक्स वाले एक साइड करते हैं, तो यहाँ पे एक्स का जो टर्म्स पड़ा है तो इस वाले को इस साइड ले आएंगे, यहाँ वाई का राइट साइड के अंदर पड़ा है और ये लेफ्ट साइड वाले को इस साइड अपन ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे एक्स वाले को एज इट इज लिखते हैं एक्स ए प्लस बी, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का एक्स ए माइनस बी इज इक्वल्स टू इधर है वाई ए प्लस बी और ये इधर जाएगा तो माइनस का वाई बी माइनस ए हो गया। अब इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स कॉमन लेने के बाद में अपने पास बचेगा यहां से ए प्लस बी, आगे माइनस का साइन, ये एक्स कॉमन ले लिया तो ए माइनस बी का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो ए तो माइनस का हो जाएगा बी प्लस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहां पे वाई कॉमन आने के बाद में यहां पे बचेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी बाहर माइनस लिखेगा तो इन दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी माइनस का हो जाएगा ए प्लस का हो जाएगा, तो बी माइनस का हो गया ए प्लस का हो गया। अब इनका आप सब्ट्रैक्ट या जो एड हो रहे हैं उनको ऐड कर देंगे तो ए से तो ए कैंसिल हो गया है, इसमें ये बी से बी कैंसिल हो गया है, तो एक्स और ब्रैकेट में बी और बी ऐड करेंगे तो ये टू बी हो गया, इधर वाई का मल्टीप्लाई ए और ए ऐड करेंगे तो टू ए हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया टू बी एक्स इज इक्वल टू टू ए वाई, टू से टू कैंसिल हो गया तो बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, तो ये आपको सिद्ध करना था। एग्जाम्पल सिक्स जैसा सेम का सेम क्वेश्चन है, इसने यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है डिजिट के अंदर, उसमें ये ए बी में और एक्स वाई के अंदर था, तो ये क्वेश्चन बोर्ड 2019 सप्लीमेंट्री के अंदर इस टाइप का आया हुआ है तीन नंबर के अंदर, तो ये क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न से करेंगे कि पॉइंट्स एक्स वाई आर द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स 2 1 एंड 1 -2 देन प्रूव दैट एक्स प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 0। एंड ये मिसलेनियस विविध प्रश्नावली का दसवां क्वेश्चन है, उसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं कि आप इसमें से कौन सा, जो चार कथन दे रखे उनमें से कौन सा आएगा, तो आपको यहाँ पे उन चारों में से ये वाला राइट है, तो ये इस टाइप का जो चार ऑप्शन है उसमें से आंसर इसका दे करके पूछा कि ये सिद्ध करके बताओ कि इसके बराबर जीरो होगा, तो ये अच्छा क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आ सकता है। तो सेम जैसे एग्जांपल नंबर 6 किया था वैसे का वैसा इसको करना है। यहाँ पे कॉमन पॉइंट कौन सा है कि ये एक्स वाई है, ये इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर है, तो ये पॉइंट कॉमन पॉइंट हो जाएगा पी, जैसे डायग्राम बनाते हैं तो बिंदु एक्स वाई पॉइंट एक्स वाई है वो इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पे है, तो उन दोनों बिंदुओं का जो नाम है वो उसी तरह से ए और बी लिख दिया, ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 1, बी के कोऑर्डिनेट है वो 1 -2, तो इस तरह से आप एक डायग्राम की तरह बना सकते हो जिसे थोड़ा इजीली समझ में आ जाए भी कौन सा कॉमन पॉइंट है और किन दोनों बिंदुओं से वो बराबर दूरी पर है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि एंड लगा करके या और लगा करके आए
दोनों बिंदु ए और बी होंगे और ये जो बिंदु होगा वो तीसरा ये कॉमन बिंदु होगा जो इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पे है। तो यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला, यहाँ पे जब भी डिस्टेंस से रिलेटेड आए तो दूरी सूत्र लगेगा। अब कई इसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो समझ में नहीं आता उनको कि 9.2 का या 9.1 का है, तो डिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो 9.1 का होता है। तो यहाँ पे भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो जो गिवन है आपको गिवन है वो पी ए और पी बी इक्वल है। आप थोड़ा सा यहाँ स्टार्टिंग में लिख दोगे कि पॉइंट जो इसने कहा था एक्स वाई, तो पॉइंट पी एक्स वाई आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब गिवन क्या है कि पी ए के इक्वल पी बी है, दिया हुआ क्या है पी ए पी बी दूरी के बराबर है, तो आप यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकते हो, तो पी ए स्क्वायर भी पी बी स्क्वायर के बराबर होगा। आप चाहो तो दूरी सूत्र से करो, चाहे उनका स्क्वायर करोगे तो वो वर्गमूल का साइन नहीं आएगा। तो यहाँ पे पी और ए के जो कोऑर्डिनेट है उससे आप दूरी पी ए निकालोगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पीछे क्वेश्चन में कराई दिया है। तो यहाँ पे एक्स वन की जगह एक्स है, वाई एक्स टू की जगह टू है, फिर वाई वन की जगह वाई है, वाई टू की जगह वन है। तो दूरी सूत्र एक बार दोबारा लिख देता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे अपने आप यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र क्या है, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्केयर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्केयर का अनरूट, ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो पी ए दूरी निकालने के लिए ये एक्स वन, तो एक्स माइनस एक्स टू की वैल्यू कितनी है टू का होल स्केयर प्लस उसके बाद में वाई वन, वाई वन की जगह कौन है वाई माइनस वाई टू करेंगे तो उसकी जगह कौन है वन का स्क्वायर और इसका ये क्या है अनरूट, इस इक्वल्स टू पी बी, तो पी और बी ये दोनों बिंदु है तो अनरूट में एक्स वन की जगह कौन है एक्स माइनस, अब की बार कौन हो जाएगा एक्स टू की जगह वन हो गया है का स्क्वायर प्लस वाई वन की जगह कौन है वाई माइनस y2 की जगह देखो माइनस का 2 है तो ये माइनस ये और इस वाला माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस का 2 हो गया है। जब y2 का या x2 का जो डिजिट होता है वो नेगेटिव होता है तो ये माइनस और उस डिजिट वाला माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाता है, तो आप यहाँ डायरेक्ट भी प्लस लिख सकते हो। अब यहाँ पे इक्वेशन का साइन क्योंकि दो साइड चल रही है यहाँ पर अपने, अब दोनों साइड अगर आप स्क्वायर लेते हो तो ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो आप लिख दोगे tan स्क्वायर बोथ साइड, tan स्क्वायर बोथ साइड दोनों तरफ वर्क करने पर, तो आपके पास जो बच गया है वो x माइनस टू का स्क्वायर प्लस y माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस वन का स्क्वायर प्लस y प्लस टू का स्क्वायर। तो ये अपने पास स्क्वायर करने के बाद में ये दोनों रूट हट गए हैं। अब इन चारों में a माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो a का स्क्वायर करेंगे यहाँ तो x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 ab करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 होगा तो ये हो गया 4x प्लस a माइनस बी का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो ये y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस डबल करेंगे तो ये 2y इज इक्वल्स टू a माइनस बी का स्क्वायर यहाँ अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस डबल करेंगे तो 2x प्लस इसमें अप्लाई करेंगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 डबल करेंगे तो ये 4y। अब जो जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर देंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पे ये माइनस का 4x और इधर ये माइनस का 2x ये कैंसिल नहीं होगा, अब प्लस 4 से आप प्लस 4 कैंसिल कर सकते हो। अब जो बाकी रिमेनिंग पार्ट बचा है ये 1 से 1 भी आप कैंसिल कर सकते हो, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो माइनस का 4x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू इधर माइनस का 2x और प्लस का 4y ये बचा है। अब देखो अपने को यहाँ पे एक्स वाई वाले दोनों टर्म एक ही साइड और इक्वल्स टू में जीरो लेकर आना है, तो इन दोनों को आप लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दोगे इधर, तो ये माइनस का 4x माइनस का 2y, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 2x, ये माइनस का 4y ये लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया इज इक्वल्स टू में जीरो। माइनस 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 2x बचेगा, माइनस 2y और माइनस 4y हो गया माइनस 6y इज इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों में से माइनस कॉमन आता है तो माइनस 2 कॉमन आता है, तो आपके पास रिमेनिंग पार्ट बचा यहाँ से तो बच गया x, आगे माइनस बार माइनस कॉमन लिया हुआ है तो प्लस का 6 डिवाइड करेंगे तो 3y इज इक्वल्स टू जीरो। अब माइनस 2 का 0 में डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस 3y इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्वेश्चन
तीन नंबर में आ सकता है, ऐसा आया हुआ भी है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। हैंड्स रूल, इस तरह के एक्सरसाइज में तीन क्वेश्चन और है, ये सेम पैटर्न, ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर है, तो किसी में कहेगा x का मान ज्ञात कीजिए, किसी में कहेगा a का मान ज्ञात कीजिए, किसी में कहेगा k का मान ज्ञात कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चनों में अपन ये वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे, जो बिंदु कॉमन होगा वो p ले लेंगे, बाकी दोनों बिंदुओं को a और b, फिर दोनों तरफ आप दूरी सूत्र लगाओगे, उसके बाद वहां पे जो स्क्वायर वाले वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो लीनियर इक्वेशन बनेगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, तो उसे आप जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को कहता है वो आप फाइंड आउट करते हैं। 9.1 जब स्टार्टिंग करते हैं तो उसमें बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 6 का थर्ड पार्ट है, जो तीन नंबर में पूछा जा सकता है, पहले जो बुक में होता था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ बोर्ड के अंदर कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये डिजिट में नहीं दिया हुआ है, ये ए और टी के अंदर दिया हुआ है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए टी वन का स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन एंड ए टी टू का स्क्वायर टू ए टी टू, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को अकॉर्डिंग टू डायग्राम ऐसे लिख सकते हो, ये ए पॉइंट हो गया है ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन, ये हो गया बी पॉइंट ए टी टू का स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू, ये ए और बी पॉइंट हो गए हैं। अब आपको ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो दूरी सूत्र है एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे जो दूरी आपको ज्ञात करनी है वो ए बी दूरी ज्ञात करनी है, तो ये अंडर रूट के अंदर एक्स वन की जगह ए टी वन का स्क्वायर है, तो ए टी वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू की जगह ए टी टू का स्क्वायर है, तो ए टी टू का स्क्वायर, ये तो एक्स वन माइनस एक्स टू किया है और इसका ये भी क्या है, ये होल स्क्वायर है। आगे प्लस वाई वन की जगह टू ए टी वन है, तो टू ए टी वन माइनस वाई टू की जगह टू ए टी टू है और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखो इन दोनों में ए कॉमन है, तो ए कॉमन है, बाहर इसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो इन दोनों से ए अगर स्क्वायर नहीं होता तो ए कॉमन आता, लेकिन स्क्वायर है तो वो ए का स्क्वायर बन के कॉमन निकलेगा। तो इस पहले ब्रैकेट में जो दोनों में ए कॉमन है तो वो ए कॉमन आएगा, लेकिन ऊपर जो पावर टू है तो ए का स्क्वायर कॉमन आएगा ब्रैकेट से। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट कौन सा बच गया, ये टी वाला बच गया है, तो टी वन का स्क्वायर माइनस टी टू का स्क्वायर और इसका भी ऊपर क्या है, ये होल स्क्वायर है। आगे प्लस अब देखो इन दोनों में 2a कॉमन है, तो 2a अगर स्क्वायर नहीं होता तो 2a कॉमन आता, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो 2a का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो 2a का स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर कॉमन बन जाएगा, तो यहां से 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां जो रिमेनिंग पार्ट है वो 2a को छोड़ के कौन सा बच गया है, t1 माइनस आगे कौन सा है t2 और इसका ये होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इस ब्रैकेट के अंदर देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लग रहा है इस ब्रैकेट के अंदर, तो आप यहाँ पे वो अप्लाई कर दीजिए, तो ये ए स्क्वेयर इसको अपन बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट में था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लगेगा, तो ये टी वन प्लस टी टू और टी वन माइनस टी टू, ये तो हो गया इन दोनों का आंसर। अब इसके ऊपर जो होल स्क्वेयर लगा हुआ है वो यहाँ पे लगा दिया। अब आगे प्लस ये 4a स्क्वायर और ये एज इट इज t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ये स्क्वायर दोनों ये मल्टीप्लाई में है तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा कॉमन, तो नेक्स्ट लाइन में अपन लिख देंगे a स्क्वायर, अब ये स्क्वायर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो t1 प्लस t2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और t1 माइनस t2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और आगे प्लस यहाँ पे ये 4a स्क्वायर और t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये तीनों मल्टीप्लाई में है और इधर ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों में से कौन सा कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है एक तो a स्क्वायर आ रहा है, तो a स्क्वायर कॉमन ले लिया रूट के अंदर, एक आ रहा है दोनों में t1 माइनस t2 दोनों में है स्क्वायर वाला ये कॉमन, तो एक आ जाएगा t1 माइनस t2 का स्क्वायर। ये कॉमन आने के बाद में आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो बचेगा, एक तो बच गया t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर बच गया ये, और एक आगे प्लस का बच गया देखो a स्क्वायर और ये कॉमन आ गया, तो बच गया आपके पास 4। अब ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो देखो ये दोनों जो मल्टीप्लाई में है तो इनका जो स्क्वायर है तो वो ये रूट से बाहर आएगा, तो स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, तो a भी रूट से बाहर आ जाएगा और t1
टी वन माइनस टी टू भी रूट से बाहर आ जाएगा। अब जो रूट के अंदर रहेगा ये वाला रहेगा टी वन प्लस टी टू का होल स्केयर और प्लस का आगे कौन सा है फोर, तो ये आ जाएगी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ये तीनों देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो ये जो स्केयर है तो स्केयर रूट से बाहर आएगा तो ये स्केयर मूव हो गया। अब ये दोनों इससे स्केयर हटेगा नहीं, क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि आगे प्लस में फोर है। अगर ये अकेला होता और ये मल्टीप्लाई में फोर होता तो फोर का टू बन जाता और ये स्केयर है वो स्केयर रूट को रिमूव कर देता, तो ये सिर्फ मल्टीप्लाई वाला पार्ट बाहर आ गया और ये जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो आप यहाँ पे रूट के अंदर लिख दोगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, तीन नंबर में पूछा जा सकता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स 2-2-2-1 एंड 5-2 आर द वर्टेक्सेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो तीनों बिंदु है ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष से सिद्ध करना है। देखो जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना हो या समकोण त्रिभुज सिद्ध करना हो तो आपको वहां पे कन्वर्ज बोधायन थ्योरम में बोधायन प्रमेय का जो विलोम है वो सिद्ध करना पड़ेगा कि अगर कोई दो भुजाओं के वर्गों का जो जोड़ है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तब आप यहाँ पे दूरी सूत्र से इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पे इन तीनों बिंदुओं को अपन डिनोट कर देंगे ए बी और सी से। तो जैसे ये अभी अपन इसको समकोण त्रिभुज के अपने को ये पता नहीं है भी कौन सा जो हाइपोटेनस बनाया है, कौन सा इसमें बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो तीनों दूरियां होगी वो दूरियों का स्क्वायर करके और आप उसमें कन्वर्ज बोधायन लगाने के बाद में आप पता कर सकते हो कि कौन से दूरी है वो समकोण त्रिभुज के कर्ण की दूरी है। तो इसलिए आप यहाँ पे इन तीनों बिंदुओं को ए बी सी से डिनोट करोगे, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल पे आप इसको रिप्रेजेंट नहीं करोगे इस तरह से बी ए ए बी और ये सी हो गया है, क्योंकि अपने को पता नहीं है कौन सी दूरी है वो कर्ण बनेगी, कौन सी आधार बनेगी, कौन सी लंब बनेगी। इसलिए आप इसको अभी डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखेंगे। अगर बाकी कोई भी ट्राइंगल आता है, चाहे इक्विलेटरल आता है, चाहे वो आइसोसेलेस आता है, स्केलर आपको प्रूव करना हो तब आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्केच से। तो यहाँ पे अपन समकोण त्रिभुज को नहीं कर सकते क्योंकि कौन सी दूरी अपने पास करण बनेगी अभी तक अपने को ध्यान नहीं है, तो ये दूरी निकालने के बाद ही मालूम होगा। तो इसलिए अभी अपन इसको डायरेक्ट पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं। जो ए पॉइंट है वो हो गया 2-2 है और जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो -2-1 है और सी के जो निर्देशांक है वो 5-4-2 है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी और सी, ये लिखने के बाद अब अपन यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे तीन दूरियां निकालनी है, तो तीनों में से किन्हीं भी दो के वर्ग करने पर और उनका जोड़ करने पर तीसरे के वर्ग के बराबर आएगी वो दूरी। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला x1-x2 का स्क्वायर प्लस y1-y2 का स्क्वायर और ये इसका अंडर रूट, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो अपन पहले दूरी निकालते हैं, ए बी दूरी निकाल लेते हैं, फिर अपन बी सी दूरी निकाल लेते हैं, फिर ए सी दूरी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ए बी दूरी निकालते हैं, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो ये ए बी दूरी के लिए अंडर रूट के अंदर x1 कौन सा है 2-, x2 कौन सा है -2 है, तो ये यहाँ पे +2 का हो गया स्क्वायर प्लस y1 की जगह कौन है -2, y2 की जगह कौन है 1 प्लस का है तो यहाँ बीच में माइनस ही आएगा, इसका होल स्क्वायर 2 और 2 ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसका ये रूट में आ गया 25, 25 का रूट होता है 5। अब ये ए बी की वैल्यू आ गई अपने पास 5। अब अपन दूरी निकालते हैं बी सी, तो बी सी दूरी के लिए अंडर रूट में बी और सी वाले दोनों लेंगे, तो एक्स वन की जगह कौन है -2, एक्स टू की जगह कौन है -5 का स्क्वायर प्लस उसके बाद में y1 की जगह कौन है 1 -y2 की जगह कौन है 2 का होल स्क्वायर, -2 और -5 हो गया -7 का स्क्वायर प्लस ये 1 में से -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 का स्क्वायर ये हो गया -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस 1 का रूट तो ये हो गया 50 का रूट। आप चाहो तो इसको रूट में 25 भी लिख सकते हो, इसको रूट में 50 लिख सकते हो, क्योंकि अपने को इनका स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये रूट है वो हट जाएगा। तो आप चाहो तो इनका यहीं तक आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद में एसी दूरी निकालते हैं, तो एसी के लिए ए और सी वाले दोनों निर्देशांक लेंगे, तो ये अंडर रूट में ए 2 में से होगा ये 5-, तो 2-5 का स्क्वायर प्लस -2 में से 2- होगा तो -2-2 का होल स्क्वायर, तो ये बच गया -3 का स्क्वायर प्लस
माइनस टू और माइनस टू सम हो जाएगा माइनस फोर का स्क्वेयर का अंडर रूट माइनस थ्री का स्क्वेयर होता है 9 प्लस माइनस फोर का स्क्वेयर होता है 16, तो ये भी रूट में आ गया 25। अब अपने को ये मालूम है कि जो कन्वर्ज बोधायन थ्योरम है, बोधायन का विलोम क्या है कि कोई भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर आता है तो वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। अब ये जो किसी भी त्रिभुज की अगर भुजाएं हैं तो इनका वर्ग करना पड़ेगा अपने को, तो अपन यहाँ पे ए बी का स्क्वेयर निकाल लेते हैं तो अंडर रूट में 25 का होल स्क्वेयर होगा तो ये 25 आ गया। उसके बाद बी सी का स्क्वेयर निकालते हैं तो अंडर रूट में 50 का स्क्वेयर होगा तो ये 50 आ गया। अब ए सी का स्क्वेयर निकाल लेते हैं तो ये अंडर रूट में 25 का स्क्वेयर होगा तो ये 25 आ गया। अब किन दो साइड के स्क्वेयर का जो सम है वो तीसरे के स्क्वेयर के इक्वल है, तो यहाँ पर अपने को जो इसके अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है कि AB का स्क्वेयर प्लस AB का स्क्वेयर और AC का स्क्वेयर, AC का स्क्वेयर है वो किसके इक्वल आ रहा है, BC के स्क्वेयर के इक्वल आ रहा है, यानी ये भी 25 था ये भी 25 था तो ये अकेला ये BC स्क्वेयर कितना था 50 था, तो यहाँ पे कन्वर्ज बोधायन से बाय कन्वर्ज बोधायन बोधायन का विलोम बोधायन के विलोम से क्या हो जाएगा कि जो पॉइंट्स ए बी और सी है ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स है समकोण त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, ये लिख दोगे आप तो सो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टेक्सेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे अतः बिंदु ए बी और सी समकोण त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है। तो समकोण त्रिभुज की बात आई है तभी अपन ने इसका स्क्वायर किया है, बाकी कोई भी त्रिभुज है समबाहु है समद्विबाहु है विषमबाहु त्रिभुज है आयता है वर्ग है समलंब चतुर्भुज, तो उसमें अपने सिर्फ और सिर्फ दूरी निकालेंगे उनका स्क्वायर नहीं करेंगे, सिर्फ समकोण त्रिभुज है तब आपको वर्ग करना है, तो ये ध्यान रखना है। अगर ये दूरी अपने पास सिर्फ त्रिभुज जैसे समबाहु त्रिभुज में होता तो यहाँ 25 का आंसर आप 5 लिखते और 50 के रूट को आप 5√2 लिखते, तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व करते, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है 3 नंबर के अंदर।